Welcome in this class. So let's start our today's class. Firstly, let's recap what we have already covered. After that, हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करेंगे कि आज हम लोग क्या पार्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो लास्ट के लेसन में हमने देखा था कि हम लोग नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं और इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं और ये किस बेस पर क्लासिफिकेशन होता है कि जो हमारा सेंट्रल में कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गए और उसके अलावा जितना भी पार्ट बचता है चाहे आपका वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो चाहे वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो वो सारा का सारा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आइदर इट इज ऑटोनॉमिक और सोमैटिक चाहे दोनों में से कोई सा भी टाइप का हो दोनों के पास अपने सेंसरी न्यूरॉन और अपने मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और उनके बीच में कनेक्ट करने वाले इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? और दोनों ही सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक बेसिस पर उनका डिविजन हुआ उनका डिविजन होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और जब आपकी फियर या स्ट्रेस की कंडीशन होगी तो पैरासिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा। ये पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब आपका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी में वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है या कौन कौन से मेनली वो रिस्पॉन्सेज शो करते हैं। सेम ऐसे ही हमने सिंपैथेटिक का देखा था कि कौन से रिस्पॉन्सेज को वो शो करेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि अच्छा उससे पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझाऊं कि हमने ये बात तो कर ली कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि आइदर हमारा नर्वस सिस्टम क्या होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? हम लोग मेनली बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जिसमें हमारे पास दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं बिकॉज मेन ऑफ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना उसका तो फंक्शन यही है कि जितने भी स्टिमुलस हैं सिग्नल्स हैं उन सभी को लेके आने का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। जो भी मोटर कमांड जाएगी उसको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाने का काम भी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। इवन इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि हमारा जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब वो पैरासिंपैथेटिकली बिहेव करता है तो उस टाइम पे किस तरीके से वो काम करेगा कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन जिसमें हमारे सोमा प्रेजेंट होते हैं उनका काम सिग्नल लेके आना होता है और कैसे वो टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है, है ना? और सिंपैथेटिक अगर एक्टिवेट है तो उस टाइम पे किस तरीके से टारगेट ऑर्गन तक सिग्नल जाएगा, राइट? लेकिन हम जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और ये मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। तो हम समझते हैं कि कैसे ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या कौन से मेजर फंक्शन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पेसिफाइड है, ठीक है? तो हम फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर किस तरीके से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। दूसरा, फिर हम ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आता है हमारा लोअर ब्रेन, दूसरा हमारा होता है हायर ब्रेन, ठीक है? तो हायर ब्रेन के बेस पे और लोअर ब्रेन के बेस पे हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर देते हैं कि ब्रेन का लोअर ब्रेन कौन सा, मतलब ब्रेन का लोअर पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और एक हायर ब्रेन कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या कहा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनैलिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर, सेकेंड की लोअर ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, थर्ड वन इज के हायर ब्रेन आपका कैसे काम कर रहा है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड लेवल की बात करते हैं तो मेनली जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना उन सभी को परफॉर्म करने वाला होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बहुत ही सडन एकदम रैपिड मैनर में होते हैं और इसकी कमांड हमारे ब्रेन तक नहीं जाती, इसलिए जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है उनका रिस्पॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होता है।
अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर हमारी जो वॉकिंग मूवमेंट है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. रिफ्लेक्सेस दैट विड्रॉ पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम पेनफुल ऑब्जेक्ट. आपने रिफ्लेक्स एक्शन का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल भी पढ़ा होगा, एक डायग्राम आपने देखा होगा बुक के अंदर, जिसमें वो शो करता है कि कैसे एक हॉट बॉडी से जब हमारा हैंड टच होता है तो हम लोग एकदम सडनली उसको वहां से रिमूव कर लेते हैं अपने हाथ को. वो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर आपकी बॉडी काम कर रही है क्योंकि उसमें आपकी ब्रेन तक कमांड नहीं गई, लेकिन एक पेनफुल ऑब्जेक्ट से जैसे ही हम कॉन्टेक्ट में आए हमारा स्पाइनल कॉर्ड ने एकदम तुरंत से हमारे हाथ को हटाया, हमारे स्केलेटल मसल को कमांड दिया कि यस रिमूव फ्रॉम दैट सरफेस, के आपको वहां से दूर हटना है. ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये आपके सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ही कंप्लीट होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट हमें क्या कहा कि रिफ्लेक्स दैट विड्रॉ पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम पेनफुल ऑब्जेक्ट. इसका मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपको नेक्स्ट क्लास में भी दिखाऊंगी ताकि अच्छे से आप समझ पाओ कि रिफ्लेक्स मूवमेंट कैसे आपकी बॉडी के अंदर होती है. उसको डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको कवर करवाऊंगी. अभी के लिए सिर्फ आप इसका थोड़ा सा फंक्शनैलिटी जस्ट फॉर आइडिया आप इसको याद रखें. इसके बाद जब हम स्ट्रक्चर समझेंगे तो आई एम श्योर ये एक एक फंक्शन आपको क्लियर हो जाएगा, इसका क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड इन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है और ब्रेन कैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है. अभी आप सिर्फ एक आइडिया रखिए कि यस ये हमारे फंक्शन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है, ये हमारे ब्रेन परफॉर्म करता है. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस दैट स्टाइफन द लेग टू सपोर्ट द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी. यू कैन सी दैट कि हमारी ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारी बॉडी को सपोर्ट भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही प्रोवाइड होता है. रिफ्लेक्स दैट कंट्रोल लोकल ब्लड वेसल एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट और यूरिनरी एक्सक्रेशन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करता है. अब हम बात करते हैं लोअर ब्रेन की. अच्छा, अब आपको यही पता होना चाहिए कि लोअर ब्रेन कौन सा है और हमारा हायर ब्रेन कौन सा है. सो यहाँ से यहाँ पर ही हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको बताती हूँ. तो देखिए हमारे ब्रेन के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको कल दिया था कि ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन इट्स ऑरिजिन, है ना. ब्रेन जो है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. इवन जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उस टाइम पे हमने देखा था कि नर्व कॉर्ड के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्वोलन पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोसेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन, रोम्बेंसेफलॉन. और ये चीज हमने देखी थी कि जो प्रोसेंसेफलॉन है उससे हमारा फोर हेड सॉरी फोर ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, मेसेंसेफलॉन से मिड ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, और रोम्बेंसेफलॉन से हाइंड ब्रेन की फॉर्मेशन होती है. तो हम लोग इसी तरीके से कि जब एक वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा ना उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे. तीन पार्ट कौन से पार्ट होंगे? फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, देन हमारा हाइंड ब्रेन. अब अगर हम इनको भी फर्दर क्लासिफाई करना चाहें ना तो हमारा जो फोर ब्रेन होता है हमारे फोर ब्रेन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली. हमारा जो फोर ब्रेन है ये आपका दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है. फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, ठीक है. सेकेंड वन इज डायन्सेफेलॉन. फिर इसका फर्दर भी डिवीजन है लेकिन मेनली हम लोग सेरेब्रम और डायन्सेफेलॉन. और डिवीजन भी कुछ नहीं है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. जैसे सेरेब्रम के अंदर हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स पढ़ते हैं, बेसल गैंग्लिया को पढ़ते हैं, लिम्बिक सिस्टम होता है जिसे हम लोग हमारा इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, और हमारा ऑल्फेक्टरी लोब है. वो सारे के सारे आपके सेरेब्रम में आते हैं. अगर मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन कराऊं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे तो देखिए सेरेब्रम के अंदर हम कौन कौन से पार्ट को पढ़ते हैं. फर्स्ट हमारा लिम्बिक सिस्टम हो गया, इसी के अंदर हम लोग ऑल्फेक्टरी लोब को भी स्टडी करते हैं. देन बेसल गैंग्लिया,
cerebral cortex, राइट right? जब हम डायनसेफेलन की बात करते हैं तो अगेन हम इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इन तीन पार्ट में हम स्टडी भी करते हैं. फर्स्ट वन होता है थैलेमस, सेकेंड वन इज हाइपोथैलेमस एंड थर्ड वन इज एपिथैलेमस. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डायनसेफेलन के पास बहुत सारा थैलेमस है जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस. मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, मिड ब्रेन को हम एज अ बॉडी ही स्टडी करते हैं, यानी कि मिड ब्रेन मिड ब्रेन की तरह स्टडी करते हैं. हाइंड ब्रेन की जब बात आती है तो हाइंड ब्रेन के अंदर भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो यहाँ पर जब हाइंड ब्रेन की बात आती है तो मेनली इसमें हमारा क्लासिफिकेशन आता है. इसमें हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट वन इज सेरेबेलम जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, देन पॉन्स वैरोलाई और थर्ड होता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा. राइट, अब मैं आपको क्लासिफिकेशन किस लिए बता रही हूँ. देखिए हमने यहाँ पे क्या चीज देखी थी, हम लोअर ब्रेन और हायर ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन एक्चुअल में डिवाइडेड कितने पार्ट में होता है. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम अपने ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाई ब्रेन. और ये भी किस बेस पर, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे ही हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, प्रोसन, मीजन और रामबनसफेलन. उसी बेस पर हम इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. सबसे बड़ा जो पार्ट है और जिसमें सारे थॉट फंक्शनिंग होते हैं वो हमारा होता है फोर ब्रेन वाला, जिसके अंदर हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी आता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम और डायनसेफेलन. तो दो पार्ट सेरेब्रम और डायनसेफेलन से मिलके हमारा फोर ब्रेन बना है. मिड ब्रेन आपका मिड ब्रेन है, मतलब मिड में सिचुएटेड है, इन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है ये. इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन हमने नहीं कर रखा. हाइंड ब्रेन के अंदर हम तीन पार्ट पढ़ते हैं, एक तो हमारा सेरेबेलम जिसे हम लोग ट्री ऑफ लाइफ, सॉरी नॉट ट्री ऑफ लाइफ नहीं कह सकते, इसको हम लाइफ का ट्री कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, देन पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. तो जब हम लोअर ब्रेन की बात करते हैं, क्योंकि हम फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर रहे हैं ब्रेन के फंक्शनैलिटी को, तो लोअर ब्रेन के अंदर जो पार्ट आता है उसमें हमारा पार्ट आता है हाइंड ब्रेन का, यानी कि सेरेब्रम, पॉन्स वैरोलाई, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये जो सारा पार्ट है. और उसमें मिड ब्रेन के फंक्शन को भी हम समटाइम इंक्लूड कर लेते हैं, ये आता है हमारे लोअर ब्रेन में. और हायर ब्रेन की जब बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय द सेरेब्रम एंड द डायनसेफेलन. ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो हाइंड ब्रेन है उसे हम लोग लोअर ब्रेन में इंक्लूड करते हैं कि दिस इज लोअर ब्रेन, और इसी बेस पे हमने फंक्शनैलिटी को भी डिवाइड कर दिया. और जो हमारा फोर ब्रेन है वो हमारा हायर ब्रेन. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. तो फर्स्टली लोअर ब्रेन के फंक्शन देखें, तो लोअर ब्रेन कैसे कौन कौन से फंक्शन आपके परफॉर्म करता है. तो अभी आप ध्यान रखेंगे कि जब हम लोअर ब्रेन की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग हाइंड ब्रेन की बात कर रहे हैं, और हाइंड ब्रेन में भी किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पॉन्स वैरोलाई की, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा की और सेरेबेलम की. राइट, हम इनकी बात कर रहे हैं. सो लोअर ब्रेन जिसे हम लोग सब कॉर्टिकल लेवल भी कहते हैं, ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा. सबसे पहला, सबकॉन्शियसली ये कंट्रोल करता है हमारे आर्टेरियल प्रेशर को, हमारे रेस्पिरेशन को, दैट इज अचीव मेनली इन द मेड्यूला एंड पॉन्स, बिकॉज आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो आपके मेड्यूला के अंदर, जो कि हमारा लोअर ब्रेन है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर है कंट्रोल ऑफ इक्विलिब्रियम, इज अ कंबाइंड फंक्शन ऑफ द ऑल्डर पोर्शन ऑफ द सेरेबेलम. हमारा जो सेरेबेलम होता है ना, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल, यानी कि एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो आपको याद रखना है कि लोअर ब्रेन के अंदर जो सेरेबेलम है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो सेरेबेलम का काम क्या है कि इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना. ठीक है, थर्ड हमारा फंक्शन है द
रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ द मेड्यूला कॉन्स एंड मेसेंसेफेलोन के कुछ रेटिकुलर सब्सटेंस होते हैं जो आपके मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं. देन फीडिंग रिफ्लेक्सेस, हमारे जो फीडिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे कि सलाइवेशन, लिकिंग ऑफ द लिप इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ फूड एंड आर कंट्रोल्ड बाय एरिया इन द मेड्यूला कॉन्स मेसेंसेफेलोन और आपका हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी फीडिंग रिफ्लेक्सेस है वो हमारा मेड्यूला के अंदर उसके सेंटर प्रेजेंट होते हैं, पोन्स के अंदर उसके सेंटर प्रेजेंट होते हैं. और इसको और भी इजी वे में कहूँ ना, तो जैसे हमारा स्नीजिंग सेंटर भी हमारे मेड्यूला ऑब्लिगेटा के अंदर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर मेड्यूला ऑब्लिगेटा के अंदर होता है, जो सलाइवेशन का सेंटर है वो मेड्यूला ऑब्लिगेटा के अंदर होता है, हमारे लोअर ब्रेन के अंदर ही होते हैं सेंटर. ठीक है, उसके साथ साथ इवन जो हमारा कफिंग सेंटर है वो भी हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में होता है, और हमारा वोमिटिंग सेंटर है वो भी हमारा लोअर ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो बिसाइड दिस मैनी इमोशनल पैटर्न. वैसे तो जब भी हम किसी भी हमारी फीलिंग्स की इमोशंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस है हमारा जिन चीजों को कंट्रोल कर रहा है ना. बट कुछ एक हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जैसे कि हमारा एंगर, एक्साइटमेंट, सेक्शुअल रिस्पॉन्सेज, ये हमारा लोअर ब्रेन कंट्रोल करता है. फंक्शन ऑफ हायर ब्रेन, कि आपका हायर ब्रेन कौन कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है. तो देखिए, हायर ब्रेन यानी कि हमारा फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन ए सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन. यस, सो इसके अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो हायर ब्रेन जैसे हम लोग कॉर्टिकल लेवल पर भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉर्टिकल लेवल पर ब्रेन के क्या फंक्शन है. फर्स्ट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी स्टोर हाउस. मोस्ट ऑफ द जितना भी मेमोरी का स्टोरेज होता है वो सारा का सारा ब्रेन में कॉर्टिकल लेवल में होता है. यानी कि जितनी भी मेमोरी होगी, आपके थॉट्स प्रोसेसिंग पावर है, ये सारी की सारी आपके ब्रेन के हायर रीजन में होती है. यानी कि हमारे कॉर्टिकल लेवल पर ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज द कॉर्टेक्स नेवर फंक्शन अलोन. कभी भी आपका जो कॉर्टेक्स है वो अकेले फंक्शन नहीं करता, वो हमेशा एसोसिएशन में फंक्शन करता है विद द लोअर सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है, फिर विदाउट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स द फंक्शन ऑफ द लोअर ब्रेन सेंटर्स आर ऑफन इम्प्रिसाइज. आपका लोअर ब्रेन, हालांकि आपका हायर ब्रेन भी आपके लोअर ब्रेन के साथ मिलकर ही काम करता है इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट मैनर में, दोनों में से कोई भी काम नहीं करता. लोअर ब्रेन को अपनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए हायर ब्रेन की जरूरत पड़ती है, और हायर ब्रेन को अपनी फंक्शनैलिटी के लिए लोअर ब्रेन की जरूरत पड़ती है. द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज एसेंशियल फॉर मोस्ट ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, जिसमें अभी का हमारे मेमोरी, हमारा थॉट, हमारी रीजनिंग पावर, ये सारी चीजें हमारे हायर ब्रेन के फंक्शन में आते हैं. It is the cortex that open a world of stored information for use by the mind. कि हमारा जो higher brain ही है जो कि इन सारी नई information को store करने के लिए, उनके assimilation के लिए responsible होता है. क्लियर? सो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कौन कौन से फंक्शन को डिवाइड किया हुआ. अब हम लोग वो करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक डिटेल मैनर में, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में उसको स्टडी करते हैं कि किस तरीके से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा रीजन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट है. फर्स्टली उसके क्लासिफिकेशन के बाद, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी हम लोग यहाँ से उसका थ्योरी पोर्शन थोड़ा कवर कर लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली हमारा ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ही हमारे कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है ना. एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, और ये कौन से एक्टोडर्म कहाँ बनती है, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे तो तीन जर्म लेयर बनती है, और उसी टाइम पे हमारा एक्टोडर्म बनता है, और उसी एक्टोडर्म के अंदर एक नर्व कॉर्ड बनती है, और उसी नर्व कॉर्ड के अंदर जो उसका पोस्टीरियर पोर्शन होगा उससे स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, जो एंटीरियर पोर्शन होगा उससे आपका ब्रेन बनेगा. ठीक है, स्ट्रक्चर में भी आप देखोगे, मैं आपको डिटेल मैनर में यहाँ पे स्ट्रक्चर कराऊंगी, हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. आप देखोगे आपके ब्रेन के अंदर एक हॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ओपनिंग होती है, नॉट स्ट्रक्चर, एक होल होता है, एक ओपनिंग होती है जैसे हम फोरामन मैग्नम कहते हैं, और उसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंटर करती है आपके क्रेनियम रीजन के अंदर, और यहाँ से इस तरीके से वो कनेक्टेड होती है आपके ब्रेन के साथ. ठीक है,
ओके जी, सबसे पहले हम ब्रेन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हमें पता है हमारा सेंटर में प्रेजेंट कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन हमारा ब्रेन। तो अगर हम लोग अपने ब्रेन को ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और इन केस उसे कोई डैमेज हो गया तो क्या हमारी बॉडी प्रॉपरली काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी ने ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑर्गन की फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसको मॉडिफाई भी किया हुआ है ना। तो ब्रेन क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती है ना, इवन हमारी ब्रेन की सेल्स जिसे हम लोग न्यूरोनल सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं, इनके पास रीजनरेशन पावर भी नहीं होती, बहुत ही लेस रीजनरेशन पावर होती है। सिर्फ जो एबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो कुछ एक्सटेंट तक ही डैमेज सेल को रिपेयर कर सकते हैं। अब एक ऐसा रीजन, एक ऐसा टिश्यू जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर उसमें कोई डैमेज आया तो कुछ ही हद तक रिपेयर होगा, उसकी सेल्स दोबारा भी नहीं बन सकती। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें एक ऐसे रीजन को, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी बॉडी को वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो हमारी बॉडी को ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उस टिश्यू को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ताकि वो वेल प्रोटेक्टेड हो सके, क्योंकि अगर उसे डैमेज हुआ तो पूरी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए बाय नेचर हमारा जो ब्रेन है एक क्रेनियल बॉक्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, एक बोनी बॉक्स है हमारा, और इस बोनी बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम इसे बोनी बॉक्स कह सकते हैं, क्रेनियल बॉक्स कह सकते हैं, जिसका नाम है क्रेनियम। इन शॉर्ट हमने कहा, अब देखिए हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे लिए जब कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, हम लोग उसे अलमीरा के अंदर, लॉकर के अंदर डाल के रखते हैं या कोई ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसमें वो वेल प्रोटेक्टेड रह सके, है ना। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी ने किया हुआ है, हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव है, रिपेयर नहीं हो सकता, जितना भी इसका रिपेयर होना होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही होता है, उसके बाद पूरी लाइफ में हमारा ब्रेन रिपेयर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे इवन जो ब्रेन से रिलेटेड हमारे डिजीज भी होते हैं ना, वो बहुत लेस चांसेस होते हैं कि पर्सन हमारा रिकवर कर पाए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि नेग्लिजिबल होते हैं, बट बहुत लेस चांसेस होते हैं। रीजन क्यों होता है, क्योंकि न्यूरोनल सेल वापस से रीजनरेट नहीं कर सकती, इसलिए हमारी नेचर के हिसाब से हमारा जो ब्रेन है वो एक क्रेनियल बॉक्स के अंदर, एक बोनी बॉक्स के अंदर स्टोर रहता है ताकि डैमेज उसे बहुत, उसकी जो डैमेज की हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज है, उसको डिक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं क्रेनियम, जो एक हमारा बॉनी बॉक्स है, और ये हमारा किसका बना हुआ है, एक स्कल लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज मेड अप ऑफ 8 बोन। इसके अंदर आपके जो बोन्स हैं वो आपकी 8 बोन्स हैं जो एक दूसरे के साथ सूचर से कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनके जॉइंट वाले पोर्शन को हम लोग सूचर्स बोलते हैं। सो यू कैन सी इन दिस इमेज दीज आर सूचर्स, और सूचर्स क्या होते हैं कि इनकी हेल्प से जो बोन है ना एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा टाइटली कनेक्टेड होती है कि इनके बीच में कोई फ्री स्पेस नहीं होता और ये बहुत ही टाइट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्कल है, हमारा जो क्रेनियम है, उसमें मेनली 8 बोन्स होती हैं, और वो कौन सी बोन्स है, फर्स्ट इज एक आपकी फ्रंटल बोन होगी, फ्रंटल बोन जो बोन फ्रंट में प्रेजेंट है उसे हमने फ्रंटल बोन कह दिया, दिस इज फ्रंटल बोन। दो पैराइटल बोन होगी, और ये पैराइटल बोन कौन सी है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये हमारी पैराइटल बोन है, क्लियर, दिस वन इज पैराइटल बोन। दो होती है, एक आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी, आपको राइट साइड में दिखेगी। दो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन होती है हमारी, ये हमारी टेम्पोरल बोन है, अगेन ये भी पैर में प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। देन वन इज ओसीपोटल बोन, राइट, वन इज इथेमोइड एंड वन स्फीनोइड बोन, ये आपके आगे इसमें भी प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं, एक सेकेंड गाइस, यस, सो हमने क्या कहा कि हमारा जो ब्रेन होता है ये एक बॉनी बॉक्स के अंदर पैक्ड होता है, और उस बॉनी बॉक्स को बनाने के लिए हमें 8 बोन चाहिए होती है, 8 बोन चाहिए,
ठीक है, हमारा बोनी बॉक्स 8 बोन का बना हुआ है, और ये कौन सी 8 बोन होती है? जो आगे की तरफ प्रेजेंट है उसे हमने फ्रंटल बोन कह दिया, जो हमारे हेड में साइड में हमारी साइड में प्रेजेंट होती है, ईयर की साइड में प्रेजेंट होती है, उसे हमने टेम्पोरल बोन कह दिया, उससे ऊपर की साइड प्रेजेंट है वो पराइटल हो गई, और सबसे पीछे हमारी ओसिपिटल बोन हो गई। ठीक है, उसी के साथ साथ एक इथमॉइड बोन होती है और एक स्फीनॉइड बोन होती है। तो हमने कहा कि हमारा जो डब्बा है जिसके अंदर हमारा ब्रेन स्टोर रहता है हमारी बॉडी के अंदर, वो 8 बोन से बना हुआ है, और कौन कौन सी है? दो, एक पैराइटल, दो सॉरी एक फ्रंटल, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, एक ऑसिपिटल, वन इथमॉइड एंड वन स्फीनॉइड। क्लियर? अगर हम लोग हमारे ब्रेन के वेट की बात करते हैं, इट इज 1400 ग्राम। ठीक है, और ये भी किसमें? एक अडल्ट मैन के अंदर, जो बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही लेस उसका ब्रेन का हम लोग कह सकते हैं वेट होता है, 250 to 350 ग्राम एक बच्चे के अंदर आपका ब्रेन का वेट होता है, लेकिन अडल्ट पर्सन के अंदर इट इज अबाउट 1400, यानी कि 1400 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है,